Yes, students, good morning. In last video, we studied about the trigonometric identities. And the three identities were sine square theta plus cos square theta is equal to 1, first one. Second one was sec square theta equal to 1 plus tan square theta. And third one, cosec square theta is cot square theta plus 1. ये थ्री आइडेंटिटीज थी। आज 8.4 एक्सरसाइज किया आपने, 4 क्वेश्चंस किए थे, इजी क्वेश्चंस थे। अब अपने को कुछ और आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनको हमें प्रूव करना है, और उसके लिए हेल्प हमें किन की लेनी है, इनकी, और हेल्प किन की लेनी है, रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा can be written as 1 upon cot theta, also tan theta can be written as sin theta upon cos theta, and cot theta can be written as cos theta upon sin theta. These will help us. Okay, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको इनको convert करना है, इनके relations identify करने हैं, कहीं पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है तो वो करना है, और जो हमें प्रूव करना है उसको माइंड में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे प्रोसेस स्टार्ट करने है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसने ये देता है अपने को, एक एग्जांपल देता है, एग्जांपल नंबर 13, प्रूव दैट, अब इनको मैं हटा रहा हूं, ये आप लर्न रखेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोलता है प्रूव दैट सेक ए इनटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए विल बी इक्वल टू 1। दिस वी हैव टू प्रूव, दिस इज एन इक्वेशन एंड फ्रॉम इक्वलिटी सिंबल हियर दिस विल बी टोटल लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो हियर we will solve left hand side and its simplified form must be equal to 1, then only we can say this equal to this one. So we will take here left hand side, left hand side is sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a. Now what we know about the trigonometric ratio, we know only sec a can be written as 1 upon cos sin as it is. First of all, you will convert all the trigonometric ratios in sin and cos. Try. In some questions, this method will be successful. So, firstly, we will solve 1 upon cos a, 1 minus sin a into. This can be written as 1 upon cos a plus this can be written as sin a upon cos. सबसे पहले आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबका रिलेशन है साइन और कोस के साथ में। साइन और कोस तो है ही, टेन आता है वो भी साइन कोस में रिलेटेड है, कोसेक आता है वो भी 1 अपॉन साइन है, कोसेक आता है वो भी 1 अपॉन कोस है, और कोट आता है वो भी साइन और कोस में रिलेशन है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबको साइन कोस में चेंज कर लेना है। उसके बाद ये तो एज इट इज 1 अपॉन कोस ए रह जाएगा इनटू 1 माइनस साइन ए है वो भी एज इट इज, यहाँ पे कोस ए को एलसीएम लेना है और ये 1 प्लस साइन ए कर लेना है। ओके, अब 1 अपॉन कोस ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका भी मैं 1 अपॉन कोस ए यहाँ लिख देता हूँ। अपने पास रहता है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए को आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं, डिवाइड बाई कोस ए, कोस ए इसको आप कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं। इतना आया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो था आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तो भी ये आइडेंटिटी तो वही है, चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसके प्लेस पे आपको करना है कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड का कोस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा,
ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इक्वल आता है वन, दैट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हैंस प्रूफ, यही अपने को प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, जरूरी नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और एग्जाम्पल से देखेंगे आप प्रूफ के। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14, नंबर एग्जांपल में बोलता है आपको प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस वन डिवाइड बाय कोसेक ए प्लस वन। यहाँ पर हमने बताया था कि जरूरी नहीं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आए, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके इसके जैसा लेके आना है, अंडरस्टैंड? नाउ सी दिस विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज cot a minus cos a divided by cot a plus cos a। हमने आपको बताया सबसे पहले आपको साइन और कोस में चेंज करना है, जो साइन है वो एज इट इज साइन रह जाएगा, कोस है वो एज इट इज कोस रह जाएगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो जो cot है, cot को आप cos a divided by साइन a रख सकते हैं, माइनस cos a एज इट इज डिवाइड बाई इसको आप cos a डिवाइड बाय साइन ए रख सकते हैं, प्लस कोस ए एल सी। अब आपको न्यूमरेटर में भी साइन को एलसीएम ले लेना है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेना। जब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आएगा साइन ए, और ये रहेगा कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए डिवाइड बाय यहां भी साइन ए इंटू ये कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहां से जो साइन है वो आपका दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए, कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, दोनों में कोस ए कॉमन है तो न्यूमरेटर में भी हमने कोस ए कॉमन ले लिया, ये रहता आपके पास वन माइनस साइन ए, यहां भी कोस ए कॉमन ले लिया हमने, और ये रहता है वन प्लस साइन ए, या कोस से कोस तो कैंसिल हो ही जाएगा। आपके पास रहता है ये इक्वल टू वन माइनस साइन ए डिवाइड बाई वन प्लस साइन ए। इसके आगे आपको लगता है कि ना तो हम कुछ चेंज कर सकते हैं, ना कोई और आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं लगता हमें कि कुछ हो सकता है। तो यहां से आगे आपको क्या सोचना है कि आप राइट हैंड साइड आपका है क्या, राइट हैंड साइड में कोसेक है तो कोसेक बनता है वन अपॉन साइन से। तो एक तो मेथड बनता है कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बोथ को साइन ए से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर में भी साइन ए से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, जब न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे तो ये वन अपॉन साइन ए आता है, माइनस ये साइन ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाय ये वन अपॉन साइन ए आता है, प्लस ये साइन ए अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए तो बन गया आपका कोसेक ए, माइनस ये साइन से साइन कैंसिल होकर वन रह गया, डिवाइड बाय वन अपॉन साइन ए बन गया कोसेक ए, और प्लस साइन साइन कैंसिल होकर रह गया वन, राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। एक तो ये मेथड बनता है, यहां के बाद का बता रहे हैं, यहां तक तो आपको सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद एक तो ये मेथड बनता है कि हमें राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ में साइन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड चाहिए वो हमें आ जाएगा। दूसरा है कि इसके बाद जब कुछ भी समझ में नहीं आए कि हम क्या करें तो आपको करना क्या है, इसको यहीं छोड़ दीजिए और फिर राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दें। राइट हैंड साइड है आपके पास कोसेक ए
इसमें जो कोसेक ए है उसको वन अपॉन साइन ए लिखेंगे, माइनस वन डिवाइड बाय इसको वन प्लस वन अपॉन साइन ए लिखेंगे प्लस वन। तो यार न्यूमरेटर में भी आपने साइन ए कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये तो रहा वन माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में भी साइन ए एलसीएम ले लिया तो ये रहता है वन प्लस साइन ए, और साइन से साइन कैंसिल तो आपके पास रहता है वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए। ये राइट हैंड साइड का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब दोनों का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो दोनों का सेम आ जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स फ्री। ओके, सो इस वे में आपको ये क्वेश्चन से सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल नंबर 15 है इसका, वो भी देख लीजिए आप, इसको हम हटा लें। सी एग्जांपल नंबर 15 नंबर एग्जांपल है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये इसके इक्वल प्रूव करना है, और यूज आपको करना है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है सर, इन सबसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन, ठीक है। अब आपको लगता है कि साइन और कोस में तो ऑलरेडी है ही, और ये वन और वन है, हम यहां पे क्या अप्लाई करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि राइट हैंड साइड में हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में जो हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हमें सिर्फ sec और tan चाहिए, तो आप ट्राई करेंगे कि इसको हम sec और tan कैसे बना सकते हैं। तो sec आपका बनता है वन अपॉन cos से, और tan बनता है sin अपॉन cos से। अगर मैं ये कहूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को मैं डिवाइड कर दूं cos थीटा से, इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आना है। cos थीटा डिवाइड करेंगे मीन्स sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, प्लस वन अपॉन cos थीटा आएगा, डिवाइड बाय ये sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, और माइनस वन अपॉन cos थीटा आएगा। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये तो हमारा बनता है tan थीटा, ये बनता है 1, और ये बनता है sec थीटा। डिवाइड में ये tan थीटा, ये बनता है 1, और ये बनता है sec थीटा। ओके, अब अपने को राइट हैंड साइड में sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए। अब इसके आगे अगर sin cos में चेंज करके करोगे तो ये वापस ही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है sec थीटा माइनस टेन थीटा से, हमें जो चाहिए। अब देखिए राइट हैंड साइड में आपको डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें चाहिए। सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर में अगर मैं इसको टेन थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में एज इट इज, कुछ नहीं करना है यहां पे,
जैसा है वैसा ही लिखना है, ओके। अब देखिए यहां पे मैं इसको तो ए लेता हूं और इसको बी लेता हूं, मतलब इसके साथ और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। इट मीन्स यहां पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके प्लेस पे आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और माइनस के जब वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का तो sec थीटा आएगा और प्लस का tan थीटा आएगा। वापस देखिए, हमने sec थीटा प्लस tan थीटा को sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और प्लस sec माइनस का बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस का tan थीटा बन जाएगा। डिनोमिनेटर में हमने कहा कि वो एज इट इज रखना, आपको कुछ नहीं करना उसके साथ में। ओके, अब देखिए आइडेंटिटी का नंबर आता है, हमारे पास ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, जब tan स्क्वायर को इधर लेके आओगे माइनस का बनेगा तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, वन। सी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन। यहां पे भी हमें क्या करना है, इसके प्लेस पे तो वन रख देना है, माइनस का sec थीटा एज इट इज और प्लस का tan थीटा, डिवाइड में tan थीटा प्लस वन माइनस sec थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। ये और ये दोनों सेम है, प्लस का वन है माइनस का sec है प्लस का tan है, कैंसिल डाउन, अपने पास रहता है वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, राइट हैंड साइड में हमारे पास वही था इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 में। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं, आज आप इनके लिए ट्राई कीजिए, इनके जो प्रॉब्लम्स रहे वो हमें बता देना। इसके जैसा जो हमने ये एग्जांपल करवाया इसके जैसा फिफ्थ का आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का फिफ्थ वो सेम है, उसमें आपको क्या करना है, साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद जो चाहिए उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें प्रूफ में न्यूमरेटर में चाहिए तो डिनोमिनेटर के साथ में ये कंडीशन अप्लाई करनी, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स टुडे यू विल सॉल्व योर एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स 10 पार्ट्स, ओनली 10 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व टुडे। थैंक्स।